हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे कि हम ट्रांजिस्टर को किसी ट्रांजिस्टर को रेक्टिफायर के रूप में क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। और इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं पीएन जंक्शन डायोड का। तो इस टाइप का एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इस तरीके से इसके दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो अगर हमको ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है एज अ पीएन जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो पीएन जंक्शन होते हैं, एक ये पीएन जंक्शन है यहाँ पे और एक ये पीएन जंक्शन है, तो अगर हमको ट्रांजिस्टर को रेक्टिफायर के रूप में यूज़ करना है तो ये पीएन जंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, मतलब इन दो टर्मिनल को, या फिर इन दो टर्मिनल को हमको यूज़ करना पड़ेगा। पर क्यों इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं एज अ रेक्टिफायर, तो उसका रीज़न ये होता है कि देखिए, ये जो सेगमेंट है ये कहलाता है एमिटर, ये बेस और ये कहलाता है कलेक्टर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहली बात तो साइज़ की आती है कि ये साइज़ थोड़ी सी मॉडरेट रहती है, ये थीन रहता है बेस, और जो कलेक्टर है वो जो है वो लार्ज साइज़ होता है। फिर इम्प्यूरिटी कैसी रहती है, तो यहाँ पे इम्प्यूरिटी हाईली डॉप्ड रहता है, ये वाला रीजन थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह है ना, यहाँ पे ये लाइटली डॉप्ड रहता है और ये मॉडरेटली डॉप्ड होता है। मतलब हमको यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है इम्प्यूरिटी की, वो डिफरेंट मिल रही है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं एज अ रेक्टिफायर। क्योंकि जो पीएन जंक्शन डायोड रहता है उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ रहती है वो लगभग सेम कॉन्सेंट्रेशन के रहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।